हे गाइस, दिस इज शुभम हेयर बैक अगेन टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, किस तरीके से आपके टास्क मैनेजर में जो बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल शो करता है दोस्तों, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। हो सकता है दोस्तों ये 20% तक कम हो सकता है, 20% तक शो करेगा, 80% तक कम हो सकता है। तो इस तरीके को किस तरीके से करना है, और लिटरली ये बहुत ही इरिटेटिंग है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक एडोबी का प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर रहे हो या एडोबी का फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक उस टाइम में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर को 6 GB दे देता है। मान के चलो आपके पास 8 GB है, तो उसके बाद ऑलरेडी कट के आता है और आपके पास 400-500 MB खाली होता है, उसके बाद 6 GB ऑलरेडी यूज कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर, जिसके कारण आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग देखने को मिलता है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों, किस तरीके से ऐसे आने वाले प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। और तो यहाँ पे दोस्तों 3 सर्विस को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। फर्स्ट है दोस्तों बैकग्राउंड इंटेलिजेंट सर्विस ट्रांसफर। तो इसको सर्विस को बंद करने के लिए आपको चले जाना सर्विस में, सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा विंडो बैकग्राउंड ट्रांसफर सर्विस। इस सर्विस को आपको जाके प्रॉपर्टी में जाके डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद दोस्तों सेकंड नंबर बात करता हूँ, सेकंड बात है दोस्तों सुपर फैच को भी आपको डिसेबल करना है। सेम उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड नंबर दोस्तों बात है विंडो सर्च। विंडो सर्च भी बहुत ज़्यादा आपका रैम कंज्यूम करता है। बेसिकली ऐसा क्या है कि ये तीनों को बंद कर दोगे लिटरली सही से वर्क करेगा। मैं अपने लैपटॉप में करके देखा हूँ, क्योंकि जब फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा था तो बहुत ज़्यादा 97-98% में यूज हो रहा था, तो उसको मैं ये तीनों बंद कर दिया, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगा। तो आप भी इसी तरीके से दोस्तों तीनों को बंद कर सकते हो, विंडो सर्च और सुपर फैच और ट्रांसफर इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस, ये तीनों का। तो ये तीनों का डिसेबल करने के बाद बहुत ही मस्त तरीके से आप अपने विंडोज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।